भाई यहाँ पे बहुत गंदी बांस आ रही है और बहुत चमगादड़ है अंदर, देख लो। कम से कम 1 करोड़ चमगादड़ है। ओ शिट भाई, चमगादड़ों की दुकान है तो। अपने कुछ समर्थक आए, ये चश्मा दे के गए मेरे को, उन्हें पता है मैं चश्मा चोरी करता हूँ और मेरे को चश्मा गिफ्ट करके चले गए भाई, चलो थैंक्स। और एक भाई ये गिफ्ट दे के गया, एक भाई गणेश जी की मूर्ति दे गए हैं और इसके अंदर भी गणेश जी की मूर्ति है। पर चश्मे यार कैसे लग रहे हैं, चोर तो नहीं लग रहा मैं, चोर वाले चश्मे दे गए भाई मेरे को है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई हमारे साथ मौजूद है मैं और एक बिल्ली, सुअर, सॉरी सुअर है भाई। अब हम पैक कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं, बताओ जी किधर? भानगढ़, हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा लेट हो जाएंगे भाई, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो ना, फोन करते उनको, बोल दे बैग पहुँचा देंगे गाड़ी पे भाई। तो हमें पैकिंग कर ली अपने और हम निकल रहे हैं भानगढ़। भाई ये सारे भाई आ रखे हमसे मिलने, ठीक है भाई, अगली बार ही मिलेंगे। अलग प्रदेश में आ गए यार, यहाँ पे तो पुराने पुराने किले स्टार्ट हो गए। हम लोग निकल चुके हैं भानगढ़ किले, सारा सामान पैक। और ये देखो बीच में इस टाइप की पुरानी, ये भाई जो पुरानी हवेली रहे ना, मुझे बहुत मजे दुआ में गलत। अच्छा, ना इसमें ना बूथी भी बटके हैं तो देख के मजे दुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था कि कटारे का खानदान यहाँ भी रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, कटारे के अलावा कुछ और आ गया था ना, कटारिया इज माय जान। तो भाई जिससे प्यार करते हैं भाई उसी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाता। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं तो किसी का करके दिखाऊं से। आ जा बेटा, आ जा भाई, गाड़ी चलाने भाई, नहीं यार, लग भाई पागल है, भाई पागल है, कैसी बात, चलती गाड़ी में किस करते हो यार, गाड़ी रुकवाएंगे फिर सीधा वो करो ये। अरे यार कटारे का कुछ सिस्टम करवाऊंगा मैं भाई। अभी तो हम जा रहे हैं भानगढ़, और मानसून में राजस्थान के जितने पहाड़ है सारे हरे भरे हो जाते हैं, मतलब एक टाइम जैसे आप गर्मियों में आओगे सूखे सूखे से लगेंगे, बट ये देखो ग्रीनरी, पूरा ग्रीन, सामने पहाड़ देखो, टोपा पहाड़ का एकदम ग्रीन, ये देखो भाई कति ग्रीन टोपा, मजा ही आ गया। और टोपे से याद आया, कटारिया भाई को देख लो एक बार, टोपे और बड़े टोपे को भी देख लो क्या है। हाँ मैं बड़ा टोपा है, छोटा टोपा, ठीक है अब, ठीक है भाई, मेरा भी टोपा या बाय बाय बाय। यार इसके आगे ब्लॉगिंग करने मेरा जी ना करे, मैं छो चढ़ा इसकी शक्ल देख देख के। आज जब मैं एडिट करूँ ना और उसमें इसकी शक्ल आ जाए, मेरा जी करे क्यों ही कर रहा हूँ मैं यार, यार दूसरे कमरे में जाके से पीट आऊँ फिर मैं नहीं जाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं ना इनके ऊपर वेस्ट करने के लिए। अभी जा रहे भाई हम भानगढ़, और हमने सुना है कि भानगढ़ के अंदर, भाई तुमने भानगढ़ की कहानी सुनी है? नंबर वन हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया भानगढ़। मैंने बहुत ज्यादा सुना है इसके बारे में, जिसको नहीं पता भाई तुम्हारा भाई बताएगा। वहाँ पे एक किला है, वहाँ पे 5 बजे के बाद एंट्री बंद है, और वहाँ पे बोलते हैं कि भाई एक रानी थी जिसको एक जादूगर ने मार दिया था, नहीं सॉरी, हाँ जादूगर को मार दिया था, तांत्रिक को पसंद आ गई थी वो रानी, पहली बात तो तांत्रिक आया था उसके पास, वही जादूगर ही बोल रहा हूँ, जादू करता था वो, तांत्रिक जादूगर में बहुत फर्क है पहली बात तो, जैसे तेरे में और मेरे में, तुम्हारे मेरे में तो दिन रात का फर्क है भाई, यही मैं कह रहा था, दिन रात का ही फर्क है हम में, ठीक है भाई अपना अपना, चलो नहीं मैं कुछ कह दूंगा यार, पब्लिक कहेगी एलिस भाई ज्यादा बोल दिया, फिर चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ भाई आगे बता कहानी, बता पूरी भानगढ़ की। भाई तो जो तांत्रिक था ना उसको रानी पसंद आ गई थी, तो है ना वो उनके महल में आगा, मुँह कहने लग गया कि मन तेरे से प्यार है, तांत्रिक आया है, यू मैंने देखे कर जंगले में, अरे उसका पहाड़ के ऊपर जंगला मतलब होता कुटिया जहाँ रह करता हो। तो भाई उसके बाद सीन ये हुआ, राजा ने कही भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, एक काम करो, उसने अपने सैनिक वैनिक बुला के रे गर्दन काट दी, तो उसने काटने से जस्ट पहले ना एक श्राप दे दिया कि अगर ये मेरी ना हो पाई ना तो किसी की ना उड़ दूंगा। ओ माय गॉड, ये तो कोई मेरे जैसा था, ठीक है फिर किसी की ना उड़ दूंगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो क्या कह रहे हैं आत्मा थी ना रानी की और तांत्रिक वांत्रिक सबकी, तो वो पूरी सिटी तबाह होगी और सारी आत्मा डोले वहाँ पे। और भाई ऐसे है कि रात को ना वहाँ पे मेला लगता भूतों का, मतलब कि मेले में तो कंगन वंगन खरीद लो तुम। अरे ना सही, अरे भाई सुना है मैंने भाई भूतों का मेला लगता है वहाँ पे, और जॉर्डन मॉडल मिलते हैं, एयर जॉर्डन मिलते हैं नाइकी के वहाँ पे। नहीं भाई ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ऐसे तू तू था भगवान मैं माफ करना भूल चुक, ठीक है तो वही माफी मिली। मैं कह रहा था सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो भाई, भाई मेरी बात नहीं सुन रहे यार, सुनाओ नहीं अब नहीं सुना रहा भाई, भूत प्रेत रहते हैं क्या? कह रहा रहते हैं बट सबको नहीं दिखते, 100 में से 1 आदमी को दिखते हैं, तो क्या पता हम 4 में से 4 को दिख जाए या फिर 1 आदमी को दिख जाए, तो
वही बात है, मजा आ जाएगा अगर दिख गया, क्योंकि हम उसी के लिए जा रहे हैं। तो अब ज्यादा बात नहीं करते, तुम कह रहे बहुत बात कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे, ठीक है। अब सीधा दिखाएंगे तुम्हें भानगढ़ फोर्ट और उसके अंदर बढ़ जाएंगे। और ये देखो पुलिस वाले भैया, 20 मिनट का व्लॉग। और पुलिस वाले भैया फिर से बाय। चल भाई आगे लड़कियां भी खड़ी हैं, दो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई, कह रहा एक तो लड़की के रूप में लड़का था कटारे के घर से, वो कोई लड़का राज क्या है भाई। ये रास्ता स्टार्ट हो गया भानगढ़ का और ये भाई आए हैं। भैया भानगढ़ फोर्ट कितनी दूर है यहाँ से? भानगढ़ का किला, भानगढ़ किला सर आप गलत आ गए थे। गलत आ गए मतलब कहाँ है फिर? सीधे उसी रोड से आ गया। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 15 किलोमीटर। भूत है क्या वहाँ पे? भूत रहते हैं क्या उधर? अरे कोई नहीं है भूत। भाई मुझे ऐसा लग रहा भाई में कुछ आ रखा यार। कोई नहीं, थैंक यू भैया। क्या कह रहा बता, कर दिया भाई ऑन? कर दिया। क्या कह रहा? हम लोग घुस चुके हैं भाई भानगढ़, मतलब भानगढ़ में एंट्री होने वाली है, 5 किलोमीटर बच रहा। और भाई ये क्या लोग बैठे नीचे जमीन पे, मतलब ये राजस्थान का एक वो वाला क्षेत्र है जहाँ पे मेरे हिसाब से सिर्फ गांव का इलाका होता है ना, और वैसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइटें नहीं आती, जो अभी मॉडर्न सिटीज से बहुत ज्यादा दूर है। भाई शीशे की बिल्डिंग है यार यहाँ पे तो, जो मॉडर्न सिटी से बहुत ज्यादा भाई, ये तो बहुत पास है मॉडर्न सिटीज के। स्विमिंग पूल भी है, तो मुझे लगा हो धोएगी सिर्फ भाई। वो पूरा कांच कूच का सिस्टम है। तो भाई हम भानगढ़ में ऑलमोस्ट घुस चुके हैं। ये देखो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिखा दे एक बार, बहुत ज्यादा गहरे पहाड़ हैं, ग्रीन कलर के, और एकदम से नई दुनिया है। 17 मिनट दिखा रहा वैसे हमें, बट मैं 10 मिनट में पहुंचाने का वो रखता हूँ। जज्बा गुदा गुदा है तो ये दुनिया हिलानी है, गुदा चाहिए है तुम्हें गुदा। भाई आगे का दिखाओ यार, न्यार न्यार जा रही है, और न्यार के पीछे अंकल आंटी, और हम भी, और हम भी न्यार के, एक बब्बर शेर और तीन तीन कुतियां। बब्बर शेर हूँ मैं और ये तीन मेरी कुतियां। भाई भानगढ़ फोर्ट की यहाँ पे पार्किंग होती है, यहाँ पे आते हैं, पीछे की साइड फोर्ट है। एक छोटा बच्चा मिला है, कह रहा कि 200 रुपए में हमें कहानी सुनाएगा भानगढ़ फोर्ट की। और बग्गा भाई हम कह रहे 200 रुपए के तो हम पूरे ही हैं। 200 रुपए हम चलेगा, तू साढ़े हमारी जेब में का बचेगा फिर। भाई सुन लास्ट कितने रुपए लोगे? 100 रुपए लोगे? चलो भाई ये भानगढ़ का पूरा मैप है, मतलब पूरा पढ़ लेना, अपने स्क्रीनशॉट लेके देख लो। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, शाबाश बहुत बढ़िया। और ये रास्ता है भाई अंदर किले किले जाने का, सामने दिख गया तुम्हें किला, ए वोरा दे वोरा, पूरा वो जो भूतिया किला ना वही वही है। ये देख लो भाई बदमाश। भाई यहाँ पे बजती थी टेक्नो पार्टीज पहले। जो कि अब टूट चुका है भाई, मेरे ऊपर तो शराब नहीं लग जाएगा यार वो वाला, मैं डर रहा हूँ भाई। मेरे मुंह तक कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, मैं मजाक मस्ती के लिए कर रहा हूँ, कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होना इस वाली बात पे। बट टेक्नो बजता भाई, क्या भाई, एक ना पेड़ है बीच में बरगद का, और बहुत ज़्यादा गलत ही पेड़ है, वो भी दिखाता हूँ। ये वो गलत वाला पेड़ जो वहाँ से दिख रहा था भाई, मतलब ये ना पास से देखोगे बहुत डरावना है। ऐसा सेम सामने एक पेड़ हो रहा है, ये रहा थोड़ा अलग कलर का है भाई, ये थोड़ा जैसे कलर ग्रेड कर रखा हो, और गोबर भी है भाई क्योंकि मॉनसून चल रहा है। अच्छा हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, हमारे तो पैसे में एंट्री हुई है 25 रुपया में, और मैं कह रहा हूँ गोबर करने वाली गाय की एंट्री फ्री में हो रही है। तारिया साड़ा नहीं डरा रहा नू, कह रहा भाई टोटके हुए मिलेंगे यहाँ पे। अजी हाँ टोटको मिलेगा, कुछ ना यहाँ मैं यहाँ पे भूत। ये देख लो भाई पूरी सिटी टूटी पड़ी है, अंदर जा रहे पूरा भानगढ़ का सिस्टम। अरे तो बहुत दूर है यार, थक जाएंगे। हाँ बता क्या कह रहा। मैं कह रहा हूँ भाई ये पेड़ देखो, ये पेड़ देखो भाई, तुम और पेड़ है ट्यूनिंग कर रहे हो यार। भाई हमारा पेड़ है, हमने लगाया ठीक है ना भाई, कितना डरावना पेड़ है यार, वहां से ज्यादा डर तो मुझे ही लगने लग गया भाई। बंदर है इस पे तो, लंगूर है लंगूर। अरे भी आ लिया भाई, भाई फोन अंदर रख ले, लंगूर ले जाएंगे तुझे। अबे उतर रहा है तो, समीर लगा है मैंने भाई, तो भाई। आ गया यार, अरे गया भाई, फोन दे दे भाई मुझे भाई। भाई आगे तो लंगूर है वो सारे। कौन लग रहा था मुझे? समीर लग रहा था, समीर भाई आगे लंगूर आ गए भाई। सुनो डरना मत बिल्कुल भी, डरना मत बिल्कुल भी, जैसे जैसा मैं बोलूँ ना वैसा ही करना ठीक है। भाग लो, नहीं डरना बहुत ज्यादा भाई, मुझे लग रहा है मेरे अंदर कोई आ गया है यार। कौन आ गया है भाई? मेरे अंदर शायद वो आ गया यार, वो तांत्रिक जो जादूगर था ना जिसने शराब दिया था, मेरे अंदर वो आ गया भाई। तुम्हारे अंदर सुशील आ गया भाई, कौन कहीं मेरे अंदर वो आ गया पहलवान सुशील कुमार। अब आगे जाके इनको गोली मार दूंगा सबको। कट कर दो भाई, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई। सुनो राइट में रहो यार, ये भाई ऊपर भूत भूत है क्या? नहीं कुछ भी, और कुछ भी ना, हम पागल बना रहे हैं यहाँ पे। लंगूरों ने डरा रखा सबको, लंगूर रहते हैं इधर और वो डराते हैं। देख भाई कितने सारे बैठे, दिखाइए लगे समीर पर अटैक होने वाला। नहीं भाई अगर इनको कुछ नहीं कहोगे तो ये भी कुछ नहीं कहेंगे। काले काले ऐसे हैं तो, ऐसे ही इसकी जू निकाल रहा भाई। लाल रंग के थोड़ी होंगे, ऐसी कलर के होते हैं।
भाई, हमने इनको गाली बक दी फिर भाई, कितने उम्मीदों से देख रहे हैं भाई हमको कि हम कुछ देंगे इनको, कटारे को सौंप जाऊं इन्हें। और सुन इसके इसके कंधे कंधा दबाने लग जाए इसका एक एक लंगूर कंधा दबाने लग जाए हम उसे पकड़ लो भाई। बंदर और लंगूर यहाँ पे वो रहते हैं साथ में, दोस्त हैं ये भाई। पानी पी रहा, पानी पीते हुए दिखा दे इसको। अरे देख ले इसने मेरे को यार, आँख से आँख मिल गई हमारी भाई। चल यार यहाँ से जल्दी, ये भाई यहाँ का मेन द्वार है और अंदर घुसते ही आंटी बैठी है यहाँ पे। समीर दान पान कर रहा है, यहाँ पे पानी पीना पड़ता है आंटी घुसते हैं तो। अच्छा ऐसा सिस्टम है का, मुझे लगा बाहर मैंडेटरी है। ये सामने बेचारा बंदर देखो यार, इतनी दया आ रही है इसको देख के, इसका एक हाथ नहीं है बेचारे का। चलो कोई नहीं, ये देखो भाई, ये देखो एक किला है प्रॉपर, अंदर घुसते के साथ ही मंदिर है, इधर की साइड मंदिर है, उधर की सामने भी मंदिर है, इधर ये भाई पेड़ है एक बहुत बड़ा, ये दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर। और मुझे लग रहा था कोई होगा नहीं, बट यहाँ पे तो भाई पब्लिक बैठी है यार, ये देखो कितने लोग बैठे हैं। और ये है वो किला जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डरावना है, इसके अंदर जाएंगे अब ठीक है। मुझे नहीं पता इसके अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे भाई, वो पैरालाइज्ड बंदर मेरे पास ही आ रहा यार। ये रहा भाई, मुझे कुछ मत कहिए भाई। भाई अब जा रहे हैं ऊपर और अंदर घुस जाऊँगा, मतलब शायद जहाँ पे नहीं जाता कोई वहाँ जाएंगे हम। फट जाएगी क्या अंदर, एक बार ऊपर देख लो क्या है। अबे ये क्या है, अबे भाई हमारी आँख तो नहीं निकाल लेंगे, सो रहे हैं तो। अभी तो सो रहे हैं भाई, भाई इनको जगा दे, इनको जगा के आइए समीर। बैट्स भाई, बैट्स भाई, वो जगा के आ जाए इनको, हट जा रहे आगे से, जगा के आ रहा है। ये कैसा टास्क दे रहे हो तुम मुझे भाई, जगह के बाहर आना, मैं भी खड़ा हूं ना बाहर, मैं मर भी सकता हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे भाई, मैं बहुत पास खड़ा हूं भाई, तेरे तेरे कंधे के पीछे खड़ा हूं। जगा दे साड़े में, जगा दे, जगा दे भाई, देख रहे हो मुझे जगाते हुए जगा दे ना उनको। समीर ने तो बैकअप बुला लिया, आर्मी बुला ली आर्मी भाई, वे बैठे हैं यार, आंखों पे चिपट जाएंगे भाई तुम्हारी, मत जाओ यार कोई भी। समीर यार तूने जगाया नहीं यार, तूने तो उल्टा सुला दिया उनको। ओ भाई आगे, ओए आगे भाई, तुम लोग तो बहादुर लग रहे थे मुझे भाई, पसीने देखोगे यार, मुझे लगता था भूतों की जगह ठंडी होती है भाई, ये तो देवताओं की जगह है यार ये। अगर बाहर आ गई ना सेक देगी, छूटेगी नहीं जल्दी तुम। क्या क्या आ जाएगी बाहर, भाई जगा के आना उनको यार, भाई जाग गए यार, भाई पीछे पीछे पड़ जाएंगे ना वो भाई, जा वो एक बार चेक करते हैं शरीर में खून चूसती है, शरीर में से खून चूसती हो भाई, मजा ही आ जाएगा। अबे जाना अबे यार तुम तो कैमरा, अबे कैमरा तो मेरे हाथ में ही सही है भाई, कोई जगह के आएगा है किसी में, दम 10,000 रुपए दूंगा ऑन द स्पॉट। कोई नहीं है भाई 10,000 रुपये इन चमगादड़ों की जलाने में नहीं, उनको उठाने में। भाई आ जाओ भाई, आ जाओ यार, उनको ऊपर से जगाएंगे, आ जाओ भाई। मिले अलवर से मेरे को ये सारे भाई हैं, ये कह रहे हैं हम जगाएंगे चमगादड़, भाई वहाँ अंदर सो रहे हैं, साड़ों को जला दो ना, जगा दो। चलो हाँ यहीं से कर रहा हूँ मेरी कॉल, ठीक है ये कल आएगी, हाँ 12 बजे 12 बजे आएगी कल, जाओ भाई जगा दो। हाँ सब आ रहे हैं A to Z, बस अंदर सो रहे चमगादड़ भाई, जागे नहीं यार वो, उल्टे सो गए, कुछ ना कहवे भाई। ये देखो भाई पत्थर मारो, साड़े का पत्थर मारो तब जगेंगे वे, खून भी चूसे हैं वे भाई, मारो साड़े का पत्थर, ये उठा लिया भाई ने पत्थर, मारो साड़े के ऊपर जगा दो भाई, गहरी नींद में सो रहे हैं शायद, भग गए वो। ओहो बेकार चमगादड़ है, बहुत गंदी बांस आ रही है और बहुत चमगादड़ है अंदर, देख लो कम से कम 1 करोड़ चमगादड़ है। ओ शिट भाई, चमगादड़ों की दुकान है तो ओ फक भाई, ये तो बहुत सारे वैरायटी में भाई, यहाँ से भग ले, भग लो भाई। मैं पहुंच चुका हूँ भानगढ़ के टॉप पे और कुछ भाई मिले राजस्थान के, क्या नाम भाई? हाय ब्रो सुनील कुमार, कहाँ से हो आप? राजस्थान अलवर। अलवर से हो आप भाई? अलवर के बहुत लोग पसंद है मेरे को, मेरे कई भाई वही रहते हैं अलवर में। आप कहाँ कौन से तिजारा से हो? नहीं मैं मुड़ा और तहसील पीपली गांव है मेरा। ओके बहुत बढ़िया लगा भाई आप सभी लोगों से मिलके, मिलते रहेंगे बहुत जल्द, थक गए यार ऊपर आ गए पीक पे, और पीको हो गया पीछे, और पीछे भाई पूरा जंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई आ गया यार। मेरा मन कर रहा था यहाँ से जंप करने का या फिर कटारे को धक्का देने का, चूज वन, मैं चूज करता हूँ कटारे को धक्का देने वाला। कटारे यार वो बीड़ी चास ले यार, एक बीड़ी यार मैं नहीं पीता, तुम अपनी चास लो ना, अपना सिगार चास लो।
तू चास लेना मेरा सिगार। भानगढ़ को अलविदा कहने का टाइम आ चुका गाइस, थक गए और ना यहाँ पे बहुत ज्यादा चमगादड़ है, मतलब अंदर रूम्स में चमगादड़ है जिनके अंदर से बहुत गंदी बांस आ रही, क्योंकि हकते भी वहीं पे हैं वो, तो अंदर नहीं जा पा रहे, सुहा नहीं रहा, उल्टी लग जाएगी ऐसा लग रहा है। ऑल्दो मेरे को स्मेल नहीं आती बट फिर भी मेरे को पता लग पा रहा कि कितनी गंदी है, चुभ रही है नाक में, नाक में घुस रही है, नाक के बाल जला दे रही है। अच्छी बात है, तो पर कटारे के ज्यादा लंबे थे ना इसके थोड़े जल भी गए, तो अब जा रहे हैं भाई उल्टे अपने, थोड़ी हवा चलनी शुरू होगी, हवा चलनी शुरू हो गया, जा रहे हैं भाई उल्टे घरे। लो जी ये व्यू है भाई यहाँ से, भाई अंदर जंगल है, कह रहे जंगल जाएंगे, और उससे पहले बोर्ड है भाई, चेतावनी बोर्ड है यहाँ पे, इस पे लिख रहा वन जीव आर्य भरण में बिना अनुमति प्रवेश विश्राम है, जो भी है पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना अब अलग अलग भाषा में लिख रखा है। चलो भाई जंगल चल रहे हैं भाई, आओ और यार मेरे अंदर कुछ आ गया, बीचों बीच आ गए यार, गलत तो नहीं कर रहे हम ये, अब भूत हो सकते हैं, ठंड होने लग गई है, क्योंकि जब मैं कह रहा था ठंड होती है यहाँ पे भूत हो, अबे यार पैर में लग गई, हाँ पत्थर लग गया, कोई नहीं, ओ भाई मुझे पिछोड़ो मत यार ऐसे, फिर तुम डर जाओगे आगे जाके अकेले तीनों। जिस जंगल में अभी हम गए थे ना, वहाँ पे आगे चल के एक लेक है और एक कुआ है, जिसके वहाँ पे तांत्रिक बाबा पूजा कर रहे हैं, और मुझे डर लगता है भाई, और वहाँ पे हम नहीं गए, सही है, ये रोक रहे थे नहीं जाने का वहाँ पे, तांत्रिक भाई पकड़े कैमरा बैठा लेपन दो रहे, इस तो बढ़िया, तो इन चीजों से दूर रहो भाई, हमें निकाला है, मैं निकाल रहा है इनको, ये तो जा रहे थे, कह रहे तांत्रिक बाबा से मिल के, मैं चले ना भाई, हमारा एक भुट्टा खागा भाई, यो बंदर एक भुट्टा मेरे पास है, आजा ले ले, आजा ले, आजा आजा आजा, ये फोन लग रहा है, तोड़ दिया भाई, ले मौज ही आ रही बंदरों की, तो छोटा बंदर भी है इसके साथ में, उसे तो खुआ ना रहा, उसके दाने फेंक रहा भाई, वाह मौज आ गई, इन्हों करा देना पापा, और खुद कारण का चले ना साढ़े पीछे बैठ ले, वे ले आ जा, ना आ रहा भाई, ए बंदर ना आ रहा भाई, तो काले बंदर ले ले आ जा, आजा बेटा आजा, ले ऊपर आ गा, यू ले ले भुट्टा ले ले, खोल के दूंगा ले, साढ़े दूं तुझे भुट्टा हम खाएंगे, समीर समीर को पीछे लगा दूं, समीर भाई ले आजा, बोल ले खोलियो खोलियो खोलियो, लो भाई, ओए बंदर इससे दे रहा हूं, इससे दे दिया वो, इससे मत दियो, ओ भाई ले लिया उसने हाथ से यार, भाई कम मजे से खा रहा बेटे, फुल मौज आ रही है छोरे, गया भाई भाई, वाह हमारे ऊपर तो ना आ जाएगा भाई, बंदरों का तो अलग कंटेंट बना दिया मैंने यार, क्या सेक्सी बंदर है भाई, क्या बढ़िया लग रहा खाते हुए, ये हीरो कितना सुहाना मौसम है यार, पबजी वाला भाई देखना जरा, क्या पेड़ है, राजस्थान भाई, राजस्थान तो राजस्थान ही है, कुछ भी कहो, ये यार ये व्यू खराब कर रहा है आप लोगों को, आप देखो ये लो, हमें घर पहुंचने में लगेंगे जितने घंटे, और ये भाई वाह हीरो चला जल्दी, वाह वाह उड़ा मत दियो भाई, साइड में खेत देख लो, मौसम देख लो कितना प्यारा मौसम, मॉनसून भाई, वापस जा रहे हैं गुड़गांव पहुंचने में, समझ लो 1.5 से 2 घंटे बच रहे हैं अपने, अभी पानी में गाड़ी बढ़ गई, तब मैंने कैमरा ऑन करा था बट अब निकल चुकी है, और सारे भाई भी ऑल सेट, और मैं यार एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, काकासी कौन है, काकासी में कंप्लेंट आ रही काकासी की, क्यों भाई कटारिया आने दो, क्या हो गया भाई, मेरे से मत पूछो, अपना चलाओ मेरे को गाड़ी चलाना, भाई काकासी क्या है, एनीमे एनीमे करके कुछ चीज है, मेरे को समझाना, मैं अभी वो हूँ ना पुरानी जनरेशन का, अब मुझे जेन जी चीजें पता नहीं है, बट कुछ लोग है वो भी पुरानी है बट वो जेन जी है, पहली बात तो काकासी नहीं है, काकासी ये भी उन जेंजियों में से आता है, चल कोई बात नहीं भाई, ब्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की टाइमिंग अब से 12 बजे, तुम लोग कह रहे हो बहुत कमेंट मैसेज आया कि भाई 12 कर दो, 12 का ठीक है भाई, कर लो 12 कर लो, ओके ओके।